Myself, Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Kumar Vaidya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Kalyan University, Jaipur, Rajasthan. Students, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कारों के बारे में. जैसे कि टॉपिक का नाम है संस्कार, तो संस्कार में लिख देते हैं कुमारों में संस्कार. कुमारों मीन्स जो हमारे पीडियाट्रिक्स में बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें किस प्रकार हमें जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक संस्कारों की उत्पत्ति करनी है, ये संस्कार जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. वैसे हिंदू धर्म के अंदर 16 से 40 संस्कार बताए गए हैं, जिनका उनकी वह के अनुसार डिवाइडेशन किया गया है. मैं आपको उन्हीं संस्कारों के बारे में आज बताऊंगी जिनका हमारे कुमार नृत्य में कुमारों के लिए स्पेसिफिक जो 8 संस्कार बताए हैं उनका अलग से वर्णन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करूंगी. आज मैं आपको जस्ट टोटल संस्कार होते हैं उनके बारे में बताऊंगी. तो सबसे पहले संस्कार के बारे में जाने, संस्कार क्या होता है. तो संस्कारों की गुणांतरा गुणांतरा धारण, ये लाइन आपने सुनी होगी, संस्कारों की गुणांतरा धारण. सो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संस्कार वो होते हैं जो कि किसी भी मनुष्य या किसी भी द्रव्य में अगर किसी भी प्रकार का संस्कार हम करते हैं तो उसके गुणों की वृद्धि कर देते हैं. इसी प्रकार अगर मनुष्य के भी किसी भी व्यय में उसमें किसी भी प्रकार के गुणों में परिवर्तन करें, गुणों का वर्धन करें, तो किस प्रकार उनके चरित्र में या अस्तित्व में वृद्धि होती है, वो ही एक प्रकार से संस्कार माने गए हैं. तो यहाँ पे संस्कारों का वर्णन करते हैं. तो संस्कार जो है वो जो हिंदू धर्म में 16 से 40 संस्कार बताए हैं उनका अलग अलग व्यय में किस प्रकार विभाजन है वो मैं बताती हूँ. तो सबसे पहले गर्भावस्था में होने वाले संस्कारों की बात करते हैं. तो गर्भावस्था में जो संस्कार होते हैं, गर्भावस्था में होने वाले संस्कार वो एक अलग है. बाल्यावस्था में होने वाले संस्कार और युवावस्था में होने वाले संस्कार. ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं गर्भावस्था में होने वाले संस्कार. गर्भावस्था में जनरली 3 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक है. गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार. सो गर्भाधान संस्कार को होता है कि जब शुक्राशोणित की उत्पत्ति होती है, शुक्रशोणित का जब गर्भावस्था में उनका निषेचन होता है तो उस समय जो संस्कार किया जाता है इच्छित पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हेतु या फिर स्वस्थ बालक की उत्पत्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है वो गर्भाधान संस्कार है. पुंसवन संस्कार जो है वो इच्छित गर्भ की या इच्छित ऐसे यूँ कहते हैं इच्छित पुत्र या इच्छित पुत्री की प्राप्ति हेतु जो संस्कार किया जाता है वो पुंसवन संस्कार होता है. अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग गर्भावस्था की अवस्था में या कह दें गर्भावस्था के महीनों में अलग अलग समय पर पुंसवन संस्कार करने को बताया है. जैसे कि आचार्य चरक बताते हैं लब्ध गर्भा, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि 2 महीने के अंदर ही पुंसवन संस्कार कर देना चाहिए गर्भावस्था के, तो वो होता है पुंसवन संस्कार. सीमंतोन्नयन संस्कार का मतलब ये होता है कि जब बालक की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए गर्भावस्था के अंदर जो संस्कार करेंगे वो सीमंतोन्नयन संस्कार में माना जाता है. ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं बाल्यावस्था में होने वाले संस्कार. तो बाल्यावस्था में सबसे पहले जो संस्कार होते हैं उसकी बात करें, सबसे पहले होता है जातकर्म संस्कार, दूसरा होता है जातकर्म संस्कार, उसके बाद होता है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको जातकर्म संस्कार के लिए अलग से पूरा डिटेल में वर्णन करूंगी तो पहले मैं आपको सिर्फ नाम ही बता रही हूँ. जातकर्म संस्कार के पश्चात होता है नामकरण संस्कार, थर्ड होता है निष्क्रमण संस्कार, फिर होता है फल प्राशन या अन्न प्राशन संस्कार, फिर होता है
ठीक है, तो यहाँ पे जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण, फल प्राशन संस्कार, फल प्राशन और अन्न प्राशन, ये अलग अलग अवस्था पे अलग अलग समय पे आचार्यों ने बताया है, जिसका मैं आपको डिटेल में वर्णन करूंगी। फिर आता है कर्ण वेदन संस्कार, कर्ण वेदन के बाद चूड़ाक्रमण, फिर वेदारंभ और लास्ट है समापर्तन संस्कार। उसके पश्चात बात करें युवावस्था की, युवावस्था जैसे कि ये तो आपके हो जाएगा 1 से 16 वर्ष तक, उसके पश्चात युवावस्था की है, उसके अंदर जो संस्कार बताए गए हैं ये समापर्तन से शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ ये समापर्तन में भी जो है युवावस्था के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बालक जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के पश्चात आगे की उसमें प्रवेश करता है, तो समापर्तन जो है मेनली युवावस्था संस्कार में माना जाता है। वेदारंभ संस्कार तक ही हम बाल्यावस्था संस्कारों को मानते हैं। फिर युवावस्था संस्कार में फर्स्ट आ जाता है समापर्तन, समापर्तन संस्कार अध्ययन अध्यापन कंप्लीट करने के पश्चात के बारे में भी संस्कार में बताया जाएगा। उसके पश्चात आता है आपके विवाह, विवाह के लिए जो संस्कार है वो, उसके पश्चात आएगा आपके वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम बोल गया, वानप्रस्थ संस्कार। फिर आता है आपके वानप्रस्थ आश्रम के बाद अंत्योष्टि, अंत्योष्टि मतलब संन्यास, इससे पहले संन्यास की अवस्था फिर अंत्योष्टि, तो संन्यास तो एक प्रकार का संस्कार माना गया है यहाँ पे युवावस्था के अंत में, और लास्ट में अंत्योष्टि जिसमें कि सब कुछ खत्म, मतलब कि अंतिम जो है वो यहाँ पे संस्कारों के अंतिम अंत्योष्टि से आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये संस्कारों के बारे में सिर्फ आज इस सेशन में इंट्रोडक्शन करवाया है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बाल्यावस्था के एक एक संस्कार का डिटेल वर्णन करूँगी। इस सेशन के अंदर आप इन संस्कारों का नाम तो इन्हें याद रखें, और उसके पश्चात इनका डिटेल वर्णन नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप इसे कंप्लीट याद रखने की कोशिश करें। इस सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।